गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आनू मम्मा ड्रीम, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आया करे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं और इधर देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ आयान के टिफिन पैक करने की। तो इधर मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दी है, और वैसे मैं क्या करती, कढ़ाई में बनाती थी, लेकिन आज मैंने सोचा चलो कुकर में ही बना लेती हूँ। तो बस सीधा सब्ज़ी बन रही है, बाकी ये मैं पराठा सेक देती हूँ। तो बस थोड़ा बहुत वो खाएगा तो खा लेगा, बाकी एक पराठा मैं उनका कर दूँगी पैक। और अभी इस टाइम पे वो सो रहे हैं तो मैंने उठाया नहीं था, और ज़्यादातर मैं ऐसा ही करती हूँ, जब उनका टिफ़िन पैक करके रेडी करके रख देती हूँ उसके बाद ही फिर मैं उनको उठाती हूँ, क्योंकि उनको उठाना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। आनो उठो बेटा, उठो। आयान के मेरे को ना पता नहीं होता, पूरे बेड पे ना आयान मेरा घूम घूम के सोएगा। उठो उठो बाबू, अब इनको उठाने में, नहलाने में, तैयार करने में मुझे पूरा लग जाएगा 1 घंटा। उठो बेटा, आनो उठो, स्कूल नहीं आना आपको बाबू। ये तो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी, और अयान के डैडू होते हैं ना तो अयान फटाफट उठ जाता है, लेकिन मेरे से जल्दी से ये उठता नहीं है। और मेरे अयान ने कल फ़ोन गिरा दिया है तो मेरा कैमरा भी ना हल्का सा धुंधला हो गया है, वीडियो मेरा साफ नहीं आ रहा है। मेरे अयान ने ना 1 साल के अंदर 3 फ़ोन ख़राब कर रखे हैं, क्योंकि अगर इसको फ़ोन ना दो ना तो बस इनकी गुस्सा यही होती है, फ़ोन फेंक देते हैं ये। आनो उठो बेटा, बच्चों को उठाना कितना मुश्किल होता है। उठो, और ऐसे सो रहे मन भी नहीं कर रहा कि इनको उठाओ। उठो, नहीं उठना है, नहीं उठना है। सुबह सुबह नींद आती भी है, मुझे भी सुबह सुबह इतनी नींद आती है, लेकिन जिस दिन अयान को स्कूल नहीं जाना होता ना उस दिन तो मैं लेट उठ जाती हूँ, लेकिन जब ये स्कूल जाते हैं तो फिर जल्दी उठना पड़ता है। उठो बाबू, आनो। और जब अयान के डैडू जॉब करते थे उस टाइम पे भी मुझे जल्दी उठना पड़ता था, 6 बजे तक मैं उठ जाती थी, क्योंकि उनको जाना होता था 8 बजे। लेकिन हाँ, फिर से दोबारा से शुरू हो गया जब से अयान स्कूल जाने लग गया है ना, तो फिर से मेरी ड्यूटी हो गई है चेंज, अब तो उठना ही पड़ता है। अगर इनका टिफिन पैक ना करो तो ना एक टेंशन सी लगी रहती है। और अयान मेरा जो शाम को बताता है ना कि मम्मा मुझे ये चीज़ खानी में, वही चीज़ सुबह बनाती हूँ। और मैंने भिंडी काट के रखी थी, मैंने सोचा था भिंडी बनाऊंगी, लेकिन आनू मेरा कह रहा था कि नहीं मम्मा मुझे आलू की सब्ज़ी खानी है, तो वही देखिए मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दी है। और अयान मेरी ऐसी बात करेगा, कभी कभी ना हंसी भी आती है, मम्मा आलू मुझे बहुत पसंद है। बच्चे जब तुतला के बोलते हैं ना तो कितने क्यूट लगते हैं। उठो उठो, अयान कहेगा मम्मा उको 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 अभी। तो चलिए मैं इनको नहला धुला के रेडी कर देती हूँ, और इनके डैडू अभी बाहर गए हुए हैं घूमने के लिए, तो बस अभी वो आ रहे होंगे तो अयान को स्कूल छोड़ के आएंगे, तो आज मैं नहीं जाऊँगी। ये घर पे होते ना उस दिन मेरी ना थोड़ी सी मैं फ्री हो जाती हूँ, ना लाने की टेंशन रहती है ना छोड़ने की टेंशन रहती है। उठो, अरे 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 क्या हुआ, इधर देखिए मैंने बना ली है भिंडी, क्योंकि ना ये सुबह की कटी हुई रखी थी तो मैंने सोचा सूख जाएगी तो इसको बना लेती हूँ। और बाकी मैंने ये कर लिए हैं चावल फ्राई। और चावल मालूम क्या थे, मैंने शाम को बनाए थे मटर पुलाव, तो बस वही रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो ये भी गरम कर लेती हूँ। और गर्मियों में ना क्या होता है, जल्दी से ना कोई चीज़ ठंडी नहीं होती है, वैसे सर्दियों में क्या होता है ठंडा हो जाता है खाना।
अभी मैंने किया है अपना एक वीडियो एडिट, और मैंने शायद कल के ब्लॉग में बताया था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे कई वीडियो पे कॉपीराइट आया हुआ था। तो जो मेरा परसों नहीं, शायद 3 दिन पहले जो मैंने ब्लॉग डाला था, तो उसमें जो म्यूजिक मैंने डाला था तो कॉपीराइट आया हुआ था। तो उस वीडियो को मैंने क्या करा है, उसका म्यूजिक हटा दिया है और मैंने दूसरा म्यूजिक लगाया है, तो मैं दोबारा से उसको कर रही हूँ अपलोड। तो बस मैंने लगाया हुआ है, अभी अपलोड हो रहा है, तो बस ये अपलोड हो जाए और उसके बाद फिर जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ उसको मैं एडिट करूँगी। बड़ी टेंशन रहती है, यूट्यूब पे काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इतनी सारी टेंशनें होती हैं। अब जाके मुझे समझ में आया, जब मैं दूसरे किसी के ब्लॉग देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था ये तो काफ़ी आसान है, वीडियो बना लो और फट से डाल दो। लेकिन अब ये सब चीज़ अब समझ में आ रही है, लेकिन आगे को मैं ध्यान रखूंगी कि अपने वीडियो में ऐसी चीज़ ना डालूं जो दोबारा से फिर कॉपीराइट आ जाए। जब मैं सबकी वीडियो देखती थी ना, तो पता लगता था, लोग बोलते थे कि कॉपीराइट आया है कॉपीराइट आया, लेकिन जब खुद के वीडियो पे आया ना, तो मेरी समझ में आया है ये। और ब्लाउज भी मेरे उठाने थे जो मैं सिलने दे के आई थी, तो मैंने इनको बोल दिया है, मैंने कि उधर से आओगे ना तो ब्लाउज भी मेरे उठा लाना, तो क्या मुझे जाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ता अभी, और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या लेके चाय बनाने जा रही थी और ये कह रहे मुझे चाय नहीं पीनी है। पता नहीं क्या, गर्मियाँ शुरू होती है ना तो मेरे घर में चाय ना कम हो जाती है बनना, तो ये कह रहे मुझे पीनी नहीं है। मैं सोच रही मैं अकेली हूँ, तब अकेले के लिए क्या बनाऊँ, और मुझे कितना शोर कर रहे हैं। अब मेरा अयान अकेला रह जाता है ना, तो सारे बच्चों को ऊपर से उतार लाएगा खेलने के लिए, तो बस खेलने में लगे हैं ये। तो बस मैंने चाय बनाई नहीं है, सोच रही है अकेले के लिए क्या बनाऊँ, अकेले मन भी नहीं कर रहा है। और मुझे जाना था, जो ब्लाउज मैंने सिलवाई थी ना, तो बस वही देने के लिए मुझे वापस जाना था, क्योंकि ब्लाउज मेरे हो गए अब की बार ख़राब, क्योंकि जो ब्लाउज की फिटिंग है ना, फिटिंग नहीं आई है बिल्कुल भी, जो बाजू है ना तो यहाँ से काफ़ी लूज हो रहा है, तीनों ब्लाउज एक तारों कर दिए हैं। मालूम क्या होता है, अगर आप एक टेलर से ब्लाउज सिलवाते हो ना, तो आपको उसी के पसंद आते हैं। और जहाँ ये ब्लाउज मैंने अब की बार सिलवाए थे, वहाँ मुझे हो गए करीब 7 साल हो गए जब से मैंने सिलवाया नहीं था, पहली बार ही सिलवाया है, 7 साल बाद सिलवाया, उससे पहले तो मैं उन्हीं से सिलवाती थी, लेकिन अब की बार ब्लाउज मेरे हो गए हैं ख़राब। और एक तो ब्लाउजों की इतनी महंगी सिलाई जाती है, और 500 रुपये सिलाई लगी है एक ब्लाउज की, मेरे 3 ब्लाउज मेरे सिले हैं 1500 रुपये में, अब वो भी कर दिए हैं ख़राब। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला था, तो कह रही थी कि आप वापस दे जाना आके, मैं दोबारा से सही कर दूँगी, जो उसकी फिटिंग आई नहीं है वो। तो मैं आज तो नहीं गई हूँ, अब मैं जाऊँगी कल, और देखो कल या परसों से अयान की भी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, फिर मैं हो जाऊँगी फ्री। मालूम क्या होता है, एक तो जब बाहर जाने के लिए ना स्पेशल, फिर मुझे ना तैयार होना पड़ता, घर में भी ना कैसे भी कपड़े पहन लो, कैसे भी रह लो,
ये दिक्कत है। अब मैं सोच रही थी बाहर जाती तो मुझे दोबारा कपड़े चेंज करने पड़ते, तो इस वजह से मैं गई नहीं थी। इन्होंने देखिए सारा सामान स्टोर का ना निकाल के बाहर रख दिया है, कुर्सी, स्विच रैक, सिलेंडर, क्योंकि ये लगवा रहे हैं बैटरी। और काफ़ी दिन से सोच रहे थे लेकिन टाइम नहीं लग पाया था इनको। और क्या होता है आजकल ना गर्मियों में लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है, और मेरी बैटरी ख़राब हो रही थी क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो लाइट चली जाती थी ना तो बस 1 या 1.5 घंटे ही मेरा इन्वर्टर चलता था, इससे ज़्यादा चलता नहीं था। तो इस वजह से मुझे ना नई बैटरी लगवानी पड़ी है, और आजकल गर्मियों में लाइट भी बहुत जाती है, और लाइट के बगैर मेरे घर में तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, क्योंकि मेरे घर में रोशनी नहीं आती है बाहर की बिल्कुल भी, बस मेन गेट पर आएगी और बाकी अंदर मेरा अंधेरा ही रहता था। तो इस वजह से भी मुझे लगवानी पड़ी। और इधर मैंने रख दिए थे बना के कढ़ी चावल, और रोटी नहीं बनाई है क्योंकि रोटी ने खानी नहीं थी, तो बस कढ़ी चावल ही मैंने बनाए हैं। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है वो करूँगी मैं यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, अगर आप लोग लाइक करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी हुआ करे तो प्लीज़ बता दिया करो। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब।